हिंदू धर्म के सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, जिसमें भगवान राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। भगवान राम के जन्म से लेकर उनके बैकुंठ जाने तक की कहानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में किया गया है, जो लगभग हम सभी पढ़े और टेलीविजन के माध्यम से देखे भी होंगे। पर रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपने ना तो कहीं पढ़ी होगी और ना ही कहीं सुनी होगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य बताते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र का निर्माण होता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बन जाता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है, जिसे सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया है। नंबर 9, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान राम चार भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में अपने चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से सबसे पहले शांता का जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान जब यह बात राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी शांता को आपको संतान के रूप में दूंगा, और राजा रोमपद खुशी खुशी मान गए। नंबर 8, हम सभी ये जानते हैं कि भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन बाकी के तीन भाई किनके अवतार थे ये कोई नहीं जानता। तो आपको बता दें कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार, जबकि भरत व शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। नंबर 7, हम सबको ये पता है कि भगवान राम का सीता के साथ विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर देश विदेश से आए राजा एवं राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था, जिसे भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया था। लेकिन उस धनुष का नाम आपको शायद ही किसी ने बताया होगा, तो आपको बता दें कि उस धनुष का नाम पिनाक था। नंबर 6, जब भगवान राम वनवास गए थे तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता भी वनवास गए थे। वनवास के दौरान जब राम और सीता सो रहे थे तो लक्ष्मण के सन्मुख निंद्रा देवी प्रकट हुई थी, और लक्ष्मण ने यह वरदान मांगा था कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मुझे 14 वर्षों तक नींद ना आए, ताकि मैं अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सकूं। जिस पर निंद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई 14 वर्षों तक सो सके तो मैं यह वरदान तुम्हें दे सकती हूँ। तो लक्ष्मण ने यह वरदान अपनी पत्नी को देने के लिए कहा, जिससे उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी। नंबर 5, भगवान राम वनवास के दौरान 14 वर्षों में से अधिकांश वर्ष वन में बिताए थे, पर जिस वन में वे अधिकांश समय बिताए थे उसका नाम दंडकारण्य था, जो 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ है, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सा शामिल है। उस वन को सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 4, रामायण में रावण को एक कुशल शासक, विद्वान, राजनीतिज्ञ और योद्धा बताया गया है। पर आपको बता दें कि रावण में ये सब गुणों के अलावा एक और गुण था कि वो एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। रावण के ध्वज में भी प्रतीक के रूप में वीणा था, जो रावण के उत्कृष्ट वीणा वादक का सूचक भी था। नंबर 3, रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की भी है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बेहद ही विकराल था। इसके अलावा वह 6 मास तक लगातार सोता था, पर इसके 6 महीने लगातार सोने के पीछे एक राज है जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। एक बार कुंभकर्ण इंद्रलोक का राजा बनने की इच्छा रख घोर तपस्या कर रहा था, जिसे जानकर इंद्रदेव घबराकर ब्रह्मा जी के पास गए और इनसे निवारण चाहा। तो ब्रह्मा जी ने इसके निवारण के लिए माता सरस्वती की मदद ली, और माता सरस्वती जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वरदान दे रहे थे तो कुंभकर्ण के जीवा पर विराजमान हो गई, जिसे कुंभकर्ण इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया, जिसके कारण कुंभकर्ण 6 मास तक सोता है और एक दिन जागकर भोजन कर वापस सो जाता था। नंबर 2, रामायण में रामेश्वरम से लंका तक जाने के लिए बनाए गए सेतु का जिक्र है, जो कि वह सेतु आज भी मौजूद है। शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार यह कहानी 1,75,00,000 वर्ष पूर्व की है।
हाल ही में नासा ने पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है, जो कि शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल का निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है, जिसकी वर्तमान लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 1, रावण को यह बात पहले से ही पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण की वजह से राम के हमले के बारे में सुना तो अपने भाई रावण को सीता के वापस लौटाने की बात कही और राम को भगवान बताकर यह कहा कि उनके समक्ष आत्मसमर्पण कर दो। तब रावण ने कहा कि अगर राम लक्ष्मण साधारण इंसान है तो सीता मेरे पास ही रहेगी, और अगर वो भगवान है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा, जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि वह पहले से ही सब कुछ जानता था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।